तृतीय प्रश्न पत्र डीएलएड द्वितीय वर्ष यानी बीएसटीसी सेकंड ईयर आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा 3 घंटा टाइम और 70 नंबर का है, पेपर होता है। 2019 का पेपर किस प्रकार रहा हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत में 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार कुल कामकाजी आबादी में कितने प्रतिशत लोग उद्योग में शामिल हुए थे। राइट आंसर होगा 22%, जो कि आपको किताब के पेज नंबर 7 पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में नवोदय विद्यालयों की स्थापना निम्न में से किसके अंतर्गत की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई, शिक्षा गारंटी योजना के तहत खोली गई। राजस्थान में चलाए गए लहर कार्यक्रम की मूल अवधारणा कहाँ से ली गई। कर्नाटक की ऋषि वैली से। राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में सार्वजनिक विद्यालयों की क्या भूमिका रही, लिखिए। वर्तमान समय में भारतीय माध्यमिक शिक्षा और जर्मनी माध्यमिक शिक्षा में क्या अंतर है, प्रमुख अंतरों को लिखिए। मनुष्य के प्रति गहरे प्रेम के बिना संवाद संभव नहीं है, संवाद के लिए पाउलो फेरे क्या क्या जरूरी मानते हैं, उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन, वैश्वीकरण का शिक्षा व विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। समता, एक दूसरे की संस्कृति का आदर, इस प्रकार जो 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं। दसवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, 100% नामांकन, 100% ठहराव सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य हो सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालिए, जैसे महंगी शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच दूरी, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, तो ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। 12वां है, मानचित्र के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। पैमाना रखकर, और जो इकाई है वो 1 सेंटीमीटर बराबर इतने मीटर या इतने किलोमीटर के रूप में हम बताकर मानचित्र के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में श्रमिकों के प्रवाह को समझिए। जब आर्थिक मंदी का दौर चला था, तब जापान और कोरिया में सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे, तो वो वैश्वीकरण के समय जो जहाँ उनकी डिमांड थी मजदूरी की, वहाँ पर वो स्थापित हुए उन देशों में। तो ये एक तरह से श्रमिकों का प्रवाह था कि जहाँ उनकी डिमांड थी वो वहाँ पर स्थापित हो गए। 14वां क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण आवश्यक है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक आंकड़ों के महत्व को निरूपित की। तो इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं, हमने कहा कक्षा 8 में कुछ बच्चों को पढ़ना आता है, कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, कुछ बच्चे पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। तो इसको अगर हम आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर कुछ बच्चों से पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम आंकड़ों को लेंगे कि मान लो हमने कहा कि 8वीं कक्षा में 50% बच्चों को लिखना पढ़ना आता है, 20% बच्चों को लिखना नहीं आता है, 30% बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। तो इस प्रकार जो हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो गुणवत्ता प्रधान शिक्षा में ये आंकड़े बहुत काम के हैं। फिर है दंड आरेख के माध्यम से आंकड़ों के विश्लेषण को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर आपके दिमाग में जो भी उदाहरण आए वो दंडारेख आयत वाला बनाकर आप समझा सकते हैं। फिर है सकल ठहराव दर एवं सकल नामांकन दर ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सूत्रों का उल्लेख की। तो यहाँ पर सकल नामांकन दर ज्ञात करने के लिए हम करेंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के विद्यालय में दर्ज बच्चों की संख्या बट्टा देश या राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की कुल संख्या इंटू 100। और ठहराव दर ज्ञात करने के लिए सभी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के 8वीं बच्चों की संख्या बट्टा राज्य के सभी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या इंटू 100। फिर अगला क्वेश्चन है, होम स्कूलिंग के प्रवर्तक कौन थे। जॉन होल्ट थे। स्कूल के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। तो वो घर पे ही बच्चे को अधिक बढ़िया और बेहतर शिक्षा देने के बारे में कहते हैं कि स्कूल में प्रत्येक बच्चे पर हम विशेष ध्यान नहीं दे पाता है टीचर, इसलिए उसको घर पर जितना विकास संभव हो सकता है, सर्वाधिक विकास उसका घर पर ही हो सकता है, तो घर ही उसके लिए बेस्ट है। इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा मास एजुकेशन के विकास को निरूपित कीजिए।
20वां क्वेश्चन, यशपाल समिति 1992 रिपोर्ट में किन किन प्रकारों के बोझ का जिक्र किया है? समिति ने बिना बोझ की शिक्षा के लिए क्या क्या सिफारिशें की है? तो यहाँ पर समिति ने जो बोझ बताए थे वो जैसे भौतिक बोझ हो गए, सीखने का बोझ हो गए, किताबी ज्ञान को कम करना, गतिविधियों पर विशेष बल देना, तो ये सब बताया था। फिर अगला क्वेश्चन है, लोक जुम्बिश परियोजना के उद्देश्य क्या थे? इस परियोजना के तहत खोले गए सहज शिक्षा केंद्रों पर प्रकाश डाल। तो यहाँ पर जैसे सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, बालक बालिकाओं को समान शिक्षा बिना भेदभाव के सुनिश्चित करना, आवश्यक सुधार लाना विषय वस्तुओं के अंदर, तो ये सब लोक जुम्बिश परियोजना के उद्देश्य थे। फिर अंतिम जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहे, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र निर्माण है तो सार्वजनिक शिक्षा के स्वरूप को समझाइए। राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने तो आप विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करेंगे? 6 नंबर का क्वेश्चन था और अथवा में भी इसमें मिलेगा। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? लोकतांत्रिक शिक्षा के स्वरूप को निरूपित कीजिए। लोकतंत्र में मतदाताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट की प्रमुख बातें लिखिए। इस आयोग द्वारा सुझाए गए समान विद्यालय यानी कॉमन स्कूल प्रणाली एवं शिक्षा के ढांचे का वर्णन कीजिए। अथवा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य प्रावधान क्या है, इस नीति की समीक्षा कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से क्या आशय है, इसके क्या उद्देश्य है, भारत में किस प्रकार की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लिखिए। अथवा में SSA के प्रमुख उद्देश्य क्या है, सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए। राजस्थान में लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चलाए गए लहर कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? लहर कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? लहर कार्यक्रम की कार्य योजनाएं एवं शिक्षण योजनाओं को समझाइए। अथवा में है, शैक्षणिक नवाचार से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? शैक्षणिक नवाचार MB फाउंडेशन हैदराबाद के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।